हरियाणा के झज्जर जिले में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी किए जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। शादी हो ही रही थी कि फेरे होने से ठीक पहले पत्नी महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम और पुलिस को लेकर पहुंच गई। पुलिस ने शादी रुकवाई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पहली पत्नी के साथ दहेज का केस अदालत में पिछले 7 साल से चल रहा। केस का अभी फैसला नहीं हुआ और न ही दोनों का तलाक हुआ। इसके बावजूद आरोपी झज्जर के एक होटल में गोपनीय तरीके से शादी रचा रहा था। आरोपी सोनीपत जिले का रहने वाला है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी आरोपी युवक के साथ साल 2014 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। मेरी शादी 19 मई 2014 को मेरे पति मनोज के साथ गांव बिगाड़ में हुई थी। शादी के 2 महीने बाद मेरे सास ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया दहेज के लिए। मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और 1 साल के बाद मुझे घर से निकाल दिया। फिर इन्होंने केस कर दिया। मेरे को परेशान करते थे कि अपने घर से दहेज ला के दे। मेरे पापा ने आल्टो 800 कार दी थी। अच्छा। सगाई के दौरान इन्होंने गाड़ी की चाबी फेंक दी थी मेरे ससुर सुभाष ने, और कहा था हमें तो 10 लाख रुपए वाली बड़ी गाड़ी चाहिए, ये तो छोटी गाड़ी है। फिर इन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, मेरे को निकाल दिया। फिर मैं जब मायके आ गई तो इन्होंने 2 महीने बाद केस कर दिया। और अब मेरे साथ मेरी शादी को 7 साल हो गए। 6 साल से मैं केस लड़ रही हूँ। 498 का केस है, 319 का, 125 का, और इन्होंने नाम कटवाए थे। 319 की एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा। और इन्होंने फर्जी समझौता दिखा दिया लड़की वालों को और ये छुप के शादी कर रहा है। इनके किसी रिश्तेदार ने मेरे पास मैसेज भेजा है कि ये शादी कर रहा है, शादी रोक सकती है तो रोक ले, तो इसीलिए मैं यहाँ आई। थाने में आए थे, वहाँ पे कुछ नहीं कहा था कि हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है और इसीलिए हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ से पुलिस लेके गए थे आप साथ में? हाँ जी, फिर बाद में लेके गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या देखा था आपने? कहा वहाँ पे वो शादी करता हुआ मिला है दूसरी लड़की के साथ। मैं तो अंदर गई नहीं थी, जो और अंदर गए थे उनको पता है। कहाँ कर रहा था शादी? ये जीडी हेवंस होटल में। अच्छा। फुटेज भी है, वीडियो भी है। अच्छा। ये मेरे जीजाजी को पता तो है। मौके से पकड़ा है? हाँ जी। महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम के सदस्यों ने बताया कि शिकायत मिलने पर वे यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने युवक को दूल्हे की वेशभूषा में शादी करते हुए पकड़ा है। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास महिला थाने से कंप्लेंट आई थी कि लड़की प्रीति, जिसका पति यहाँ पे दूसरी शादी कर रहा है, पहली शादी होते हुए, जिसके बाद लोकेशन निकलवाने के बाद हम जेडी एवंस पहुंचे, जहाँ पे पाया कि वो दूसरी शादी कर रहा है। और दूसरी शादी को वहाँ पे मौके पर रुकवा दिया गया, दोनों पक्षों को उनसे रिटर्न में डाल दिया गया। तो वहीं से मौके से पकड़ लिया था? हाँ, मौके से पकड़ के वहाँ से देख लिया। तो कोई शिकायत दी थी या कोई पहले से कोई पुराना मामला चला हुआ है इनका? इनके पहले दहेज का 125 का डीम का केस सोनीपत में चला हुआ। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाला लड़का? सोनीपत। लड़का दोनों ही सोनीपत के, लड़की भी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की और लड़का, और जो अब शादी हो रही थी वो लड़की है एली मंडी। क्या वो दोनों पार्टी एग्री थे शादी में? फिलहाल शादी के लिए एग्री थे वे, पर बाद में जो उनको बताया वैसे ऐसे पहले शादी हो रही है, उनका कोई तलाक नहीं। तो लड़की वालों को पता नहीं था? वो कह रहे कि हमारा पंचायती तौर पे तलाक हुआ बताया इन्होंने, पर उनके पास वो भी डॉक्यूमेंट नहीं थे कि कुछ पंचायती तौर पे तलाक हुआ है। तो झूठ बोल के अब वो अभी डॉक्यूमेंट्स उनसे कहे हैं मंगवाने के लिए, जो भी होंगे आगे देखते हैं क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी अधिकारी की नोटिस में डाल देगा, जो भी हमें बताएंगे आगे कार्रवाई।